तो आज हम लोग देखेंगे ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को बेसिकली, और ये कैसे काम करता है, ये क्या क्या इसमें होते हैं, और उससे रिलेटेड टॉपिक जो भी है उसको देखेंगे। तो हम लोग ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के बारे में स्टार्टिंग से देखते हैं। तो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर होता क्या है, पहले तो ये जानेंगे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ट्रैक्शन यूज होता है, ट्रैक्शन पावर, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन पावर, उसकी निगरानी के लिए, उसको देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। और जो इस चीज़ देखता है उसी को हम लोग ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर कहते हैं। पहले जब टेक्नोलॉजी उतनी मजबूत नहीं थी तो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर डिफरेंट जगह थे, बट जैसे जैसे समय इम्प्रूव होता गया तो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर का भी इवोल्यूशन हुआ। आजकल के टाइम में जहाँ बहुत दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत दूर तक सिग्नल भेज सकते हैं, उस टाइम में, इस दौर में हम लोग बहुत दूर बैठे भी कोई इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आजकल ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर क्या करते हैं कि एक क्षेत्र में जिस जिस फील्ड में ट्रैक्शन सप्लाई दिया जाता है उसका किसी एक लोकेशन से बैठ करके उसकी सप्लाई की स्थिति मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा उस पर नेसेसरी एक्शन, जैसे कभी मेंटेनेंस करना हो तो उसका पावर सप्लाई ऑफ करना, या कभी फेलियर हो गया, कभी ब्रेकडाउन हो गया, तो उस कंडीशन में उसका सप्लाई आइसोलेट करना, फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करने का काम ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर लोग करते हैं। ये बेसिकली एक ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर का जो मतलब रोल आता है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में वो रहा। अब देखते हैं टॉपिक के अनुसार कि हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमने देखा कि हमारा सिस्टम में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एक सिस्टम में मेथड या कहिए या एक तरीका है जो एक रिमोट लोकेशन पे, एक दूर लोकेशन में बैठ करके सिस्टम में जितने इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहे हैं उसके रिलेटेड टोटल जो हमारा मतलब इन्फॉर्मेशन है वो मिलता है। स्टेटस जो रहता है ट्रैक्शन सब स्टेशन का, SSP का, SP का, वो सब देखता है, और रिक्वायरमेंट के अनुसार वो नेसेसरी एक्शन लेता है, जैसे कि ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस, जो भी कंडीशन हो वैसा वो ट्रैक्शन मतलब एक्शन लेता है। और साथ में जो डाटा आ रहा है उसको वो स्टोर करता है साथ में, मतलब बेसिकली सुपरवाइजरी करना, सुपरवाइजरी कंट्रोल का काम ही होगा सुपरविजन करना और साथ में नेसेसरी एक्शन लेना। ये हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल का काम हुआ। रही बात डिफिनीशन की, तो लिखा हुआ है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल इज अ कलेक्शन डैट विल प्रोवाइड एन ऑपरेटर एट अ रिमोट लोकेशन, मतलब काफ़ी कहीं एक जगह दूर लोकेशन पर होकर के, विद इनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ सब स्टेशन, सब स्टेशन का स्टेटस क्या है, या फिर जनरेटिंग स्टेशन। तो यहाँ हम लोग ट्रैक्शन सब स्टेशन यूज करते हैं, तो यहाँ पर बात आएगी ट्रैक्शन सब स्टेशन की। एंड कॉज टू एक्शंस और ऑपरेशन शुड टेक प्लेस एट दैट स्टेशन विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। और सुपरवाइजरी कंट्रोल में जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है उसके थ्रू हम लोग वहाँ बिना प्रेजेंट हुए भी एक्शन ले सकते हैं। ऑल दाउ और सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम में एग्जिस्ट टू परफॉर्म कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन एट अ वन स्पेसिफिक लोकेशन, द नॉर्मल अरेंजमेंट इज टू हैव वन सेंट्रल लोकेशन रिसीविंग डाटा एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर मेनी रिमोट स्टेशन। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा एक जगह मेन कंट्रोल रूम होगा, वहाँ से उसके जितने सिग्नलिंग पोस्ट है, यानी उसके जितने भी पोस्ट है, मतलब SP, SSP, ट्रैक्शन सब स्टेशन वगैरह, उस सभी जगह को हम एक जगह कंट्रोल में बैठ करके वहाँ का ऑपरेशन और जो भी नेसेसरी एक्शन है, जो भी मॉनिटरिंग का काम है वो कर सकते हैं। और जहाँ से बैठ के करेंगे, जो मॉनिटर रूम, जो वहाँ से हम बैठ के करेंगे मेन कंट्रोल रूम से, उसी का नाम होता है रिमोट कंट्रोल सेंटर। तो अब हम लोग देखते हैं रिमोट कंट्रोल सेंटर क्या होता है। तो बेसिकली रिमोट कंट्रोल सेंटर क्या होता है कि ये एक मतलब एक जगह होता है जहाँ पे कुछ रिमोट से रिलेटेड इक्विपमेंट लगे होते हैं। रिमोट रिलेटेड इक्विपमेंट का मतलब हो गया कि वो ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो दूर की चीज़ों को भी मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल करता है, ऑपरेशन करता है, मॉनिटर करता है, सुपरविजन का काम करता है। ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल सेंटर काम कैसे करता है इस चीज़ को समझते हैं। तो
तो जैसे हम लोग टेलीफोन पे बात करने के लिए या फिर मोबाइल में बात करने के लिए क्या करते हैं कि मैसेज कहीं देना हो, कहीं बात करना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले फ़ोन पे हेलो बोलते हैं, तो वो वॉइस सिग्नल माइक में जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर वो फ़ोन से सिग्नल अलग ट्रांसफ़र होता है बाई अनदर मीडियम, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है, फिर वहाँ रिसीवर होता है, वो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और विद द हेल्प ऑफ स्पीकर वो साउंड सिस्टम में कन्वर्ट होगा और साउंड को हम लोग फिर सुनेंगे। तो बेसिकली जो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर का जो रिमोट कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से अलग अलग पोस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ इसी टाइप का तरीका का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक मेन रिमोट कंट्रोल सेंटर आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हुआ रिमोट कंट्रोल सेंटर। बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह लगी होती है, जो आप जो भी कमांड देना है या फिर जो भी डाटा देना है तो वो सिस्टम को दीजिएगा, सिस्टम सर्वर में डालेगा, और फिर एक बेसिकली कन्वर्टर मीडियम होता है कि मतलब आपका वो इस सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जिस भी मीडियम से ट्रांसफ़र करना है, लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल से करना हो या फिर जो भी डीसी सिग्नल, जो भी तरीके सिग्नल है उसमें कन्वर्ट करेगा कन्वर्टर, और वो आगे फीड करेगा, फिर आगे आने के बाद जो वहाँ पर रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा, और फिर कन्वर्ट करने के बाद जो रिमोट टर्मिनल यूनिट है, रिमोट टर्मिनल यूनिट को देगा, और रिमोट टर्मिनल यूनिट आपके स्विचिंग पोस्ट को देगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो सिस्टम लगे हैं, ठीक, दो तीन सिस्टम हैं। आप किसी एक सिस्टम में आपको यहाँ दिखे कि हाँ वहाँ आपका सर्किट ब्रेकर ऑन है, आप यहाँ से उसको ऑफ कमांड दीजिएगा तो वो सिग्नल यहाँ पे आएगा, यहाँ कन्वर्ट होगा। और एग्जांपल के लिए दो पाथ है, एक है केबल वाली पाथ जो रेलनेट है, मतलब बेसिकली वो ईथरनेट सिस्टम है, यानी उसमें फिजिकल केबल दौड़ते हैं, और साथ में एक ये पाथ है जो ऑप्टिकल फाइबर का पाथ है। अब दोनों का अलग अलग एडवांटेज है, लेकिन दोनों में से कोई हम एक यूज करते हैं, तो एडवांटेज जो ज़्यादा बेहतर हो और जो फिजिबल हो हम लोग उसका यूज करते हैं। तो वो दोनों में से किसी एक मीडियम से डाटा का ट्रांसफ़र होगा, वो डाटा यहाँ पे आएगा, फिर आगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हैं उसके थ्रू वो डाटा यहाँ पे आके रिमोट टर्मिनल के बाद आके कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल में। अब वो इलेक्ट्रिकल डाटा यहाँ से हम देंगे बीएम में। एग्जांपल के लिए आप यहाँ बीएम ऑफ का कमांड दिए तो यहाँ से कन्वर्ट हुआ, फिर वो ट्रांसमिट हुआ, फिर यहाँ रिसीव हुआ, और वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के वो हमारे जो बीएम लगा होगा उस बीएम को देगा कि नहीं, वह ओपन पे इलेक्ट्रिकल पल्स का सिग्नल जाएगा और वो बीएम को ओपन कर देगा, फिर सर्किट पे जो इसको भी ऑपरेशन करना है वो उसको ओपन कर देगा। अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं मेरे पास ढेर सारे पोस्ट हैं, तो उसी तरीके से जितना ही पोस्ट है वो लगाएंगे, जैसे RTO रिमोट टर्मिनल यूनिट 1, रिमोट टर्मिनल यूनिट 2, रिमोट टर्मिनल यूनिट 3, .. तक, ठीक है। अब एक जब देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल हम लोग, वो सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग पहले DC यूज करते थे, फिर हाई लो फ्रिक्वेंसी AC यूज किए, अब उससे भी अलग हम लोग आ गए हैं, उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो बेसिकली उससे पहले देख लें कि एडवांटेज ऑफ रिमोट कंट्रोल क्या होता है। तो सस्ता बहुत होता है, ठीक है, और के तुलना में। अब देखिए, जिससे पहले जो वहाँ टेलीफोन का सिस्टम था तो उसमें वहाँ भी पर्सन खड़े हैं, यहाँ ही पर्सन ही है, मैसेज देंगे, मैसेज रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसमें ह्यूमन एरर का चांसेस बढ़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ढेर सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज का रिमोट कंट्रोल आने से वो सब नहीं है, बस कमांड दीजिए, वो सिग्नल तुरंत ट्रांसमिट होगा पलक झपकते ही, और वायर का प्रोसेस करके कमांड मतलब ऑपरेशन करके रेडी हो जाएगा। तो ये चीज़ इसकी एडवांटेज है, साथ में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ओवर द इंटायर सिस्टम फॉर ऑपरेशन एंड सुपरविजन फॉर ऑल फंक्शन इंडिविजुअल पोस्ट इन द रूट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेशन। एक ही स्टेशन से सबका हम लोग सुपरविजन कर सकते हैं, ऑल फंक्शन का, ऑल पोस्ट इंडिविजुअल देख सकते हैं। फिर इसमें जो ह्यूमन ईटर जो आती थी, इससे पीछे टेलीग्राफ सिग्नल में कॉल करिए, टेलीफोन से टेलीफोन मैसेज देना, वो फिर करेंगे तो उसमें ह्यूमन ईटर की चांसेस बढ़ती थी। कब? खासकर उस टाइम में जब मिसकम्युनिकेट होता था, सॉरी ये मिस स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो उस समय उस चीज़ को यहाँ पे एलिमिनेट होता है। और साथ में ये बहुत तेज काम करता है, क्योंकि आप कमांड दिए, बीच में कोई मीडियम नहीं है, जैसे कॉल करने पे वो मैसेज रिसीव करेगा फिर लिखा फिर करेगा, तो उसके तुलना में ये सही भी है और ज़्यादा तेज काम करती है, क्विकली भी काम करती है,
तो ये बेसिकली हमारे रिमोट कंट्रोल का जो भी एडवांटेज है उसको हम लोग देखें। अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक है डीसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी सिग्नल, वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो जो डीसी सिग्नल यूज करते थे उसके तुलना में हम लोग अब वॉइस फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करते हैं, क्यों? तो इसके ढेर सारे एडवांटेज है, ये सब लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली डीसी सिग्नल को आप लॉन्ग लो रेंज में तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट जैसे ही उसको हाई रेंज के लिए ट्रांसमिट करिएगा ओवर 50 किलोमीटर वगैरह, तो उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बेसिकली क्या होगा कि जब आप हाई रेंज पे ले जाइएगा, देखिए एज अ डिस्टेंस इंक्रीजेज एंड इक्विपमेंट स्पेयर्ड आउट अलॉन्ग द ट्रैक एट वेरियस प्लेसेज विच आर सर्वर किलोमीटर्स। तो हम लोग जानते हैं कि एक SP SSP ट्रैक्शन सर्वर स्टेशन वगैरह बहुत बहुत दूर होते हैं, 50-50 किलोमीटर दूर। तो वो सब क्या करता है कि लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल सर्किट फॉर ट्रांसमिशन, और साथ में जब वो बहुत सारे इक्विपमेंट होगा तो नॉइज आएगा, और नॉइज वगैरह आने पे बहुत सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि देखिए इंटरफेरेंस होने लगता है, जब इंटरफेरेंस होगा सिस्टम में डिस्टॉर्शन आएगा। तो जैसे जैसे आपका सिस्टम का लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ आपका जो इंटरफेरेंस वो बढ़ेगा, और उसके कारण मतलब नॉइज आने पे मिस फंक्शन काम करेगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग डीसी या लो पावर एसी फ्रीक्वेंसी की तुलना में हम लोग अभी वॉइस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो गए, उसके तुलना में ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो क्रॉसटॉक होता है डीसी में वो इसमें अवॉइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एडवांटेज, मैंने कुछ बुक्स लिए थे, देख सकते हैं कि सिंगल पेयर ऑफ कंडक्टर इज सफिशियंट फॉर अ नंबर ऑफ सर्किट। वॉइस फ्रीक्वेंसी की तुलना में डीसी की तुलना में इसमें एक ही सिंगल पेयर कंडक्टर काम करते हैं, पूरा काम निकाल लेंगे हम लोग, उसमें ढेर सारे कंडक्टर चाहिए होता है। फिर इसमें कुछ इक्विपमेंट के बारे में बात किया है कि 18 चैनल कैन बी प्रोवाइडेड विद इन अ वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 422-460 विद इन 120 साइकिल सेपरेशन इम्प्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ अ सुपर इम्पोजिशन का यूज करके हम लोग ये जो डाटा दिख रहे हैं ये डाटा इसके लिए काफ़ी कम होता है डीसी सिग्नलिंग के लिए, तो वो उसको कंपेरिजन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है सिग्नल इंप्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.3 डेसिबल। बेसिकली समझिए कि एम्पलीफिकेशन वगैरह या जो भी कुछ करते हैं डीसी के तुलना में वो हमारा वॉइस फ्रिक्वेंसी में बेहतर और लंबी दूरी के लिए आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे वॉइस फ्रिक्वेंसी वाले सिस्टम में जो इंटरफेरेंस से और जो क्रॉसटॉक होता है वो सबसे फ्री फ्रॉम मतलब फ्री है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब बात करते हैं बेसिकली एक ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर की। देखिए ट्रैक्शन पावर जो कंट्रोलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो जितने भी सिस्टम हैं वो आपस में किसी सिस्टम से जुड़े हुए, एग्जांपल के लिए एक TSS सप्लाई फीड करता है फीडिंग पोस्ट, फिर वो आ जाता है SSP, फिर SP ऐसे जाता है। तो वो सब चीज़ों को आपस में एक डायग्राम के रूप में दिखाया होता है सिस्टम पे, जो कंप्यूटर पे कंटिन्यू दिखाते रहता है। तो जो कंप्यूटर पे कंटिन्यू दिखाते रहता है हम लोग उसी को बेसिकली मतलब कह सकते हैं मिमिक डायग्राम बोलते हैं, सिस्टम का प्रॉब्लम करता है। या मिमिक डायग्राम का डेफिनेशन लिखा गया है कि मिमिक डायग्राम बोर्ड एंड इट्स एसोसिएटेड मिमिक ड्राइवर वे ईयरली प्रोवाइडेड एट द RCC, मतलब जहाँ रिमोट कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर ये इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है हमारा डिपिक्ट, देखिए ये ट्रैक्शन पावर सप्लाई डायग्राम रहेगा इंडिकेटिंग ये एनर्जाइज्ड और डी एनर्जाइज जो भी कंडीशन है सेक्टर सब सेक्टर कैटनरी में, मतलब जो हमारे सिस्टम का ऑन एंड ऑफ जो भी है वो सब चीज़ों को ये शो करता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक ट्रैक्शन सब ये रिमोट कंट्रोल सेंटर ट्रैक्शन सब स्टेशन में क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। हमारा ये है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, ट्रैक्शन पावर कंट्रोल यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हमारा ये सिस्टम है, इसके बारे में मैं जो इक्विपमेंट लगे होते हैं मैं इक्विपमेंट के बारे में आपको बताऊँगा। तो जो आपने अभी ये देख रहे हैं ये सब डायग्राम है,
कि सेक्शन में SP SSP में जितने कनेक्शन लगाए गए हैं वो सब कैसे अरेंजमेंट है उसका, ये डायग्राम का टोटल जितने भी सेक्शन होते हैं सभी का डायग्राम फिजिकली लगा होता है ताकि जब मेंटेनेंस करना हो तो सिस्टम को सप्लाई ऑफ करने में कोई गलती ना हो इसके डायग्राम लगे होते हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए हमने देखा था न्यू डायग्राम। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, ये देख रहे हैं न्यू डायग्राम है, इसमें आपका SP SSP ट्रैक्शन सबस्टेशन सबका ब्रेकर जो लगे होते हैं इंटरप्टर सर्किट ब्रेकर जो भी चीज़ लगे तो सबका लाइव पोजीशन दिखाता है कि ऑन है ऑफ है कहाँ लगा हुआ है क्या है टोटल चीज़ उसमें दिखाता है। ठीक है तो हम लोग ने जाना था और देखिए ये हमारा है UPS कंटिन्यू सप्लाई देने के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अरेंजमेंट यहाँ किया गया है, इसका बैटरी अलग लगा हुआ है। ओके अब बात करते हैं सर्वर की, तो जो STM देख रहे थे वो जो अभी दोनों गया वही हमारा STM है। देखिए हमारा ये सर्वर है जो दिख रहा है, ये सर्वर हमारा है। ओके ये सर्वर है और ये सर्वर का जो दो डिस्प्ले है मतलब जो कंप्यूटर है दोनों हमारा, एक मिनट मैं दिखा था इसको देख लीजिए, ये UPS का बैटरी रूम है जहाँ पर UPS का बैटरी लगा होता है, मान लीजिए इसमें 240 सप्लाई फिगर हुआ तो UPS कंटिन्यू सप्लाई है। हाँ देखिए ये हमारा नीचे वाले सर्वर का डिस्प्ले है एक स्टैंड पाइप एक मेन और ऊपर वाला हमारा STM है एक मेन और एक स्टैंड पाइप। ओके अब इसके अलावा हमारा आगे क्या क्या आता है वो देखिए, चारों तरफ डायग्राम लगे हुए हैं देख सकते हैं और जो और यहाँ देखिए कि अपन के पास जो ये डिस्प्ले दिख रहा है इसमें मिनिमम डायग्राम वगैरह लगा हुआ है। ठीक है इस पर आपका पूरा डायग्राम का सिस्टम रहता है और लाइव पोजीशन दिखाता है और ऑपरेशन करने के लिए हम लोग वहीं से ऑपरेशन कर सकते हैं।